हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ में आज हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि क्या गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कैसे हम फाइंड करेंगे प्राइम नंबर्स, और शायद आपको पता भी होगा, लेकिन हम इसको तीन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको एक नंबर गिवन है, लेट्स से 13। आपको अगर ये टेस्ट करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इसको 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर प्राइम है। लेकिन ये जो टेस्टिंग है या जो ये डिविज़न हम कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सोचें तो किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 14 को डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, तो 14 अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये क्वेश्चन 2 देगा, लेकिन 7 के बाद किसी भी नंबर से 14 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि 8 से लेके 13 तक जो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि तो किसी भी नंबर को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो मिनिमम क्वेश्चन 2 आना चाहिए। इस लॉजिक का यूज़ करते हुए हम एक काम कर सकते हैं, जो अभी हम डिविजिबिलिटी इस वाले केस में एन माइनस वन तक कर रहे थे, अब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट एन बाई टू तक ही करें। अगर किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है 2 से लेकर एन बाई टू तक, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर होगा। और इसके लिए छोटा सा हमको छोटा सा एल्गोरिथम लिखते हैं। लेट से एन हमारे लिए एक इनपुट नंबर है, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस नंबर एन, और इस नंबर को प्राइम नंबर टेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने एक आई लिया और 2 से इसको स्टार्ट किया डिविजन टेस्ट करना, और 2 से लेके एन माइनस वन तक सभी नंबर से इसको डिवाइड किया, अगर ये जो नंबर है वो आई से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और हमें एक फ्लैग सेट कर देना चाहिए। लेट से हमने एक फ्लैग लिया है और उस फ्लैग को 0 सेट कर दिया है, 0 का मतलब ये प्राइम नंबर है, आप इसको 1 सेट कर दीजिए अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, और तुरंत ब्रेक कर जाइए, आगे की टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगर इस लूप के फिनिश होने के बाद हमारा जो फ्लैग है वो 0 ही रह जाता है, तो गिवन नंबर हमारा प्राइम होगा। एल्स जो गिवन नंबर हमारा है वो कंपोजिट होगा। सो हमने ये टेस्ट कर लिया है एन माइनस वन तक, क्योंकि तो हमने एक और लॉजिक देखा है जिसमें कि हमें डिविजिबिलिटी एन बाई टू तक ही चेक करना चाहिए, इसलिए ये जो एन माइनस वन हमने लिखा है इसकी जगह हमें एन बाई टू को देना चाहिए, और हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट एन बाई टू तक ही करना चाहिए। नाउ अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और एक नए कॉन्सेप्ट को देखें, फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर गिवन है वो है 35, और हमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 35 का, तो हमने क्या किया कि एक 2 से लेके 35 तक सारे नंबर्स को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। ऐसा हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो सही टेस्ट कर रहे हैं, या कुछ हम और भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले 2 से लेके 35 तक सभी नंबर्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, बल्कि हम काम करते हैं कि नंबर को 35 की जगह 36 ले लेते हैं, और लास्ट नंबर हम 36 चेक कर लेते हैं। अब एक काम करना है हमें कि 2 के, हम जो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो 2 के सारे मल्टीपल्स को हम इसमें से हटा देते हैं। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी एट, थर्टी, थर्टी टू, थर्टी
एंड 36, हमने 2 के सभी मल्टीपल्स को यहाँ से क्रॉस कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम 3 को पिक करते हैं और 3 के सभी मल्टीपल्स को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। 3 का मल्टीपल 6 है जो पहले से रिमूव्ड है, 9 रिमूव कर देते हैं, 12 पहले से रिमूव है, 15 को रिमूव कर देते हैं, 18 पहले से रिमूव है, 21 को रिमूव कर देते हैं, 24 पहले से रिमूव है, 27 को रिमूव कर देते हैं, 30 को रिमूव कर देते हैं, 33 को रिमूव कर देते हैं और 36 को रिमूव कर देते हैं। 36 पहले से रिमूव था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, आप क्रॉस नंबर के बाद के नेक्स्ट नंबर को पिक कीजिएगा और नेक्स्ट नंबर जो हमारा है वो 5 है और 5 नंबर को 5 के मल्टीपल सभी आप रिमूव कर दीजिए। 5 के नंबर्स जो मल्टीपल्स हैं वो है 10, 15 ऑलरेडी रिमूव है, 20 ऑलरेडी रिमूव है, 25 को रिमूव कर देते हैं, 30 ऑलरेडी रिमूव है, 35 को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अगर आप चेक करें कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बच गए हैं, सो दोस नंबर्स आर 7, 11, 13, 17, 19, 23, आप इसको मार्क करते हैं, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये जो नंबर्स हमारे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम किसी नंबर की प्राइमेलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने ध्यान से देखा कि आपने सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स को हटाया, देन आपने 3 के मल्टीपल्स को हटाया, देन आपने 5 के मल्टीपल्स को हटाया, इसके बाद के जितने भी बचे हुए नंबर्स थे वो प्राइम नंबर्स थे। इसका मतलब क्या है, वो किसी के मल्टीपल्स नहीं होंगे। और अगर हम 36 को ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमें 5 के अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक और एग्जांपल लें, लेट्स से जो नंबर हम टेस्ट करना चाहते हैं प्राइमेलिटी टेस्टिंग के लिए, वो नंबर हमारा है 43। तो अब 43 के लिए 1, 2, 3, 1 नहीं लेंगे, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 34 और 43। अब आपको क्या करना है कि पहले 2 को पिक करना और 2 के सभी मल्टीपल्स को क्रॉस कर देना है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40 एंड 42। इसके बाद हम नंबर 3 को पिक करते हैं और इसके सभी मल्टीपल्स को हटा देते हैं। सो 3 का मल्टीपल 6 ऑलरेडी हटा हुआ है, 9, 12, 15 हटा देते हैं, 18 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 21, 24 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 27, एंड 30 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 33, 36 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 39, 42 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। इसके बाद हम नंबर पिक करते हैं 5 और 5 का मल्टीपल सभी हम रिमूव कर देते हैं, 10 ऑलरेडी रिमूव है, 15 ऑलरेडी रिमूव है, 20 ऑलरेडी रिमूव है, 25 को रिमूव कर देते हैं, 30 रिमूव है, 35 को रिमूव कर देते हैं, 40 ऑलरेडी रिमूव है। अब अगर आप 43 का अंडर रूट लें तो 43 का जो अंडर रूट है वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा और हमने 6 को ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहें इस 43 के लिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो यस 43 प्राइम नंबर है, क्योंकि अब बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, 29, 31, 37 एंड 41, ये 41 और 43 ये सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर के मल्टीपल नहीं हो सकता ये, इसीलिए हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि हमें आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो जो हमने पीछे किया
जो हमने एक कोड लिखा, हमने एक एल्गोरिथम लिखा, इस एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा और करेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है वो एन बाई टू तक ना करके बल्कि अंडर रूट एन तक करना चाहिए, इसके बाद किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो आइए इसको कोड को हम लिखते हैं। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को हम सीव ऑफ इरोकिनेस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए वो केवल अंडर रूट एन तक करना चाहिए। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं, छोटी सी फाइल बना लेते हैं। अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तो एक नंबर का इनपुट ले लेते हैं जैसे एन, और इसकी हम प्राइमरिटी टेस्टिंग करेंगे। और इसके लिए मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, प्राइमरिटी में हमने एन को पास किया, फंक्शन के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा 1 या 0 डिपेंडिंग ऑन कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो एन की हम प्राइमरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, सीव ऑफ इरोकिनेस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। लेट से हमने एक इंटीजर आई ले लिया है, लूप हमने चलाया और एस क्यू आर टी एन तक हम इस टास्क को करेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो करेंगे हम स्क्वायर रूट एन तक करेंगे। अगर हमारा एन डिवाइड हो जाता है आई से तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें एक फ्लैग सेट करना है, फ्लैग को हम 1 सेट कर देते हैं और तुरंत लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हमारी टेस्टिंग चलती रहेगी। एंड में अगर हमारा फ्लैग 0 रह जाता है, फ्लैग को हम 0 भी इनिशलाइज कर लेंगे, तो फ्लैग अगर हमारा 0 रह जाता है तो हम कहेंगे रिटर्न 1, रिटर्न 0 इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज हम रिटर्न 1 करेंगे इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं। तो एक फ्लैग ले लीजिए और इस फ्लैग को 0 सेट कर दीजिए, 0 इनिशियलाइज आपने कर दिया है। अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो ये फ्लैग 1 सेट होगा, अदरवाइज ये फ्लैग 0 ही रह जाएगा। जहाँ हम प्राइमरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं मेन में, इसमें एक एक्स में ये इनपुट करा लेते हैं और यहाँ पे एक कंडीशनल प्रिंटिंग कर देते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। फाइन। अच्छा, अब हम sqrt फंक्शन का यूज करें, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन भी हम यहाँ पे करते हैं। ये जो एस क्यू आर टी फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, एस क्यू आर टी हम बार बार लूप के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? एक और भी हमसे गलती हुई है कि हम इसको जो डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो लेस देन स्क्वायर रूट एन तक ना करके बल्कि स्क्वायर रूट एन तक करें, तो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं। साथ ही साथ ये एस क्यू आर टी हम लूप में कंडीशन में बार बार चेक कर रहे हैं, इसका मतलब है एस क्यू आर टी बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है, आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे इसको निकाल लीजिए, यहाँ से इसको पहले से प्री कैलकुलेट करके रखिए। तो हमने कहा कि इंटीजर एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, और अब आप आई लेस देन और इक्वल टू एस तक टेस्ट कर लीजिए। इस प्रोग्राम में आप इस स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास मैथ यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि तो स्क्वायर रूट जो है वो मैथ का फंक्शन है। रन करके देखते हैं, मान लीजिए कि आपको 43 को टेस्ट करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि 43 यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप किसी कंपोजिट नंबर को चेक करना चाहें, लेट से आप 12 को चेक करना चाह रहे हैं, तो ये 12 आपको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। अगर आप किसी और प्राइम नंबर की टेस्टिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल
हमने कहा कि एक सेवन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज सेइंग कि सेवन जो हमारा है वो प्राइम नंबर है। एक और स्पेशल केस हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि हमसे जो नंबर पूछा गया है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, अगर वो नंबर गिवन नंबर टू है तो वो टू जो है वो प्राइम नंबर होता है, लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से टू जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा और कंपोजिट आएगा। इसको हमें एज ए स्पेशल कंडीशन यहाँ पे इंक्लूड कर लेना चाहिए कि हम प्राइमरिटी टेस्टिंग तभी कर रहे हैं कि जब एन इज नॉट इक्वल टू वन और टू, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर एन ग्रेटर देन टू है तो आपने ये सारा टास्क किया। लेकिन अगर एन इक्वल्स टू टू है तो उस केस में आपने कहा कि ये प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ पे एल्स में एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए। रन करके देख लेते हैं कि और टू की टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर आएगा कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू को प्राइम नंबर डिक्लेयर किया गया है। आई थिंक कि हमने लगभग सभी केसेस को हैंडल कर लिया है। अगर वन ऑड केस हैंडल नहीं हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप बड़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कम अगेन विद सम न्यू कॉन्सेप्ट।